अच्छा दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, भूल भुलैया 3 की शूटिंग इन दिनों बहुत जोरों से चल रही है। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 में काम किया था, काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। उससे पहले फर्स्ट पार्ट में अक्षय कुमार थे, वो भी काफी कुछ चली थी फिल्म। और अब इसका तीसरा पार्ट आ रहा है दोस्तों, जिसमें फिर से कार्तिक आर्यन नजर आएंगे। अनीस बज्मी डायरेक्ट कर रहे हैं और विद्या बालन की भी एंट्री हो गई इसके अंदर। सबसे बड़ी बात है कि विद्या बालन इसमें नजर आएगी, और तब्बू आएगी या नहीं आएगी अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन एक और जबरदस्त एंट्री हुई है माधुरी दीक्षित की। जी हाँ दोस्तों, सुपरस्टार माधुरी दीक्षित भी नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको एक जबरदस्त डांस नंबर देखने को मिलने वाला है, जिसमें माधुरी दीक्षित वर्सेज विद्या बालन, मतलब इन दोनों का एक जबरदस्त डांस आपको देखने को मिलने वाला है। ये एक बड़ी खबर है और इसकी शूटिंग चल रही है इस समय। तो माधुरी दीक्षित का किस तरह का रोल इसमें होता है, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। विद्या बालन और साथ में माधुरी दीक्षित, दोनों की जोड़ी यहाँ पे रंग लाएगी डेफिनेटली। दोनों बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है, और ना केवल बेहतरीन एक्ट्रेस है बल्कि डांसर भी बहुत अच्छी है। तो मजा आएगा दोस्तों इसमें। और इसकी शूटिंग बहुत तेजी से कंप्लीट की जा रही है, और इसी वर्ष दिवाली पर इस फिल्म को रिलीज करने की तैयारी की जा रही है कि दिवाली पर इस फिल्म को रिलीज की जाएगी, जो उस समय दोस्तों सिंघम अगेन से टकरा सकती है। सिंघम अगेन की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है, 15 अगस्त की जगह भी दिवाली पर रिलीज की जाएगी। इसके अलावा अक्षय कुमार की भी एक बड़ी फिल्म है वेलकम टू द जंगल, उसको भी मतलब कोशिश किया जा रहा है कि दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया जाए। तो ये मुकाबला वाकई काफ़ी रोचक होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और भूलभुलैया 3 तो आप जानते ही है कि काफ़ी बड़ी हिट फ्रेंचाइजी है, तो मजा आएगा इस क्लैश में। कौन जीतता है कौन हारता है तो दिवाली के टाइम पता चलेगा। लेकिन इतना जरूरत है कि माधुरी दीक्षित से विद्या बालन के इस डांस नंबर ने फिल्म की हाइप अभी से और बढ़ा दी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।